हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत डिफरेंट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ये कोई रिव्यू नहीं होने वाला गाड़ी का, मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा जिससे आपके गाड़ी का जो अंदर का डैशबोर्ड होता है और जो भी ब्लैक फाइबर पार्ट होता है वो पहले की तरह शाइन करेगा। तो ये प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो ये हमारे पास किडो का क्रिस्टल कोटिंग स्प्रे टाइप है। इससे हम गाड़ी पर जैसे पॉलिश मारते हैं तो पहले के से शाइनिंग मारने लग जाती है। और जैसे आपकी गाड़ी, आपने देखा होगा कि गाड़ी जैसे पुरानी होती रहती है, उसका डैशबोर्ड और जो उसके ब्लैक फाइबर पार्ट होते हैं धीरे धीरे सफेद पड़ते जाते हैं, जो काफ़ी डल दिखते हैं और गाड़ी के शो बिगाड़ देते हैं। तो ये प्रोडक्ट है, इसको हम आपको यूज़ करके बताएंगे और फिर देखेंगे कि ये कितना काम करता है। आइए मैं आपको इस स्प्रे के बारे में बताता हूँ। ये मैंने लिया था ऑनलाइन, आपको भी अमेजोन पे मिल जाएगा और साथ में जो मैं इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो अब इसके प्राइस की बात करें तो ये हमको मिल जाता है 799 का। देखते हैं कि 799 पे हमें कितना यूज़ मिलने वाला है। उसे ओपन करते हैं, उसके अंदर हमें एक ऐसी छोटी सी बोतल मिल जाती है, साथ में स्पंज टाइप मिल जाता है कि जिससे हम इसको अप्लाई करेंगे किसी सरफेस पे। तो ये चलिए देखते हैं, ऐसा हमें मिल जाता है इसको। ऐसे हम उसके सरफेस में कुछ ड्रॉप्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम जो सरफेस है हमारा उस पर अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं जैसे हम इस पर अप्लाई करते हैं, इस साइड हमारा भी पूरा ये डल है। जब इसको अप्लाई किया तो आप देखिए, थोड़ा और इस पर ड्रॉप्स डालते हैं ताकि और अच्छे से हो। तो अभी हमने इतने से सरफेस में करके देखा तो कैमरे आपको डिफरेंस पता चल रहा है नहीं चल रहा है, बट मैं अभी आपको टेप हटा के दिखाता हूँ। देखिए इतना कुछ डिफरेंस आ रहा है। अगर इसके बाद अगर हम इसको किसी कपड़े से भी अगर साफ करके देखें तो देखिए ये फेड नहीं हो रहा है, ये अभी भी वैसी है और ये पुराना है। तो प्रोडक्ट मतलब जिस हिसाब के इसकी एडवर्टाइजमेंट की थी, जिस वजह से मैंने इसको मंगाया था, अभी तक इसने ऐसा काम तो नहीं किया। अभी हम दूसरे सर्विस में करके देखते हैं, अगर उस पर अच्छा काम कर गया तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिलहाल तो मतलब अभी इससे मैं इतना इम्प्रेस नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे उतना अंतर तो नहीं है, इतना तो वैसे नॉर्मल वाले पॉलिश से भी हो जाता है। हम इस पर यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पर कैसा रिजल्ट आता है। हमने इस पर इतना डाल लिया, उसके बाद अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ गंदी टाइप से छोड़ रहा है, टेप भी पूरा काला पड़ रहा है। यहाँ पे इसने बड़ा अच्छा काम किया, आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट यहाँ पे काफी बेहतर आए हैं। इस साइड पूरा ब्लैक हो चुका है और इस साइड मैंने नहीं लगाया था, इस साइड अभी भी पूरा व्हाइट पड़ा हुआ है। और अभी अगर हम इसके ऊपर कपड़ा मार के देखते हैं तो ये अभी भी कुछ वैसा ही है, ये वैसी ब्लैक दिख रहा है, अभी वाइट नहीं रहा ये। और ये जो डोर पे मैंने किया था, आप अभी कैमरे आपको उतना दिख रहा हो बट हाँ थोड़ा डिफरेंस तो है इस पर। अभी रहता कितने दिन तक का है, मेन बात ये है। अब हम 10 या 20 रुपए का डैशबोर्ड पॉलिश लेते हैं, वो करते हैं, वो भी हो जाता है। और उसके ऊपर होता क्या है, जैसे वाटर ड्रॉप्स पड़ती तो वाइट वाइट पड़ने लग जाता है। अब इस पर हमें देखना है कि ये हमें कितना अच्छा मिल सकता है। बाहर जो बॉडी होती है फाइबर बॉडी, इस पर अप्लाई करके देखता हूँ इस पर मैं कैसा रिजल्ट मिलता है। तो मैंने इसमें डाल लिया और अब इस साइड लगाता हूँ। तो रिजल्ट देखिए आप, अब आपको दिख रहा हो बाहर तो इसलिए बड़ा अच्छा जो यूज हुआ है इसका। आप देख सकते हैं कितना चेंज आ गया दोनों साइड, दोनों पार्ट पे। हमें टेप निकाल के देखते हैं कि कितना अंतर आया है। तो अब ये देख सकते हैं इतना डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल गया। भाई बाहर के लिए तो बड़ा यूजफुल है, इंटीरियर में मुझे इतना फ़र्क लगा नहीं। अब शायद इंटीरियर की जो बॉडी होती है हमारी फाइबर बॉडी, वो काफ़ी खुरदुरी टाइप होती है, तो इस वजह से शायद उसमें ज़्यादा अप्लाई ना हो पाया हो। बट जो ये गाड़ी की बाहर की फाइबर बॉडी है ये पूरी प्लेन है, तो इसमें काफ़ी अच्छा दिख गया। अब मैं इसके ऊपर कपड़ा मार के देखता हूँ एक बार कि उस पर क्या अंतर आ रहा है। देखिए देखिए हाथ तो भी नहीं आ रहा है, हाथ पे भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। और मैंने अभी कपड़ा भी मारा उसके बाद भी बिल्कुल भी ये फैला नहीं, काफ़ी बेहतर लग रहा और काफ़ी ब्लैक लग रही गाड़ी से, लग रही कि काफ़ी नई आ गई है। अब मैं एक बार पूरे पोर्शन में करके देखता हूँ।
तो अब देखिए मैंने कुछ छोटा सा पार्ट इस साइड छोड़ रखा है, और ये देखिए बाकी गाड़ी में कितना डिफरेंस आ रहा है, बाकी पूरी नई जैसे दिखने लग गई है। अब ये पॉलिश अप्लाई करने के बाद गाड़ी, तो हाँ प्रोडक्ट अभी तक तो मुझे एक्सटीरियर जो पार्ट होते हैं गाड़ी के उसके लिए तो काफ़ी बेहतर लगा, अभी इंटीरियर पर उतना मज़ा नहीं आया। अगर आपकी गाड़ी पर ऐसे पार्ट हैं जो ब्लैक फायर पार्ट है वो प्लेन सरफेस पर है, तो भाई आपको ये लेना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा जो उसकी काफ़ी ज़्यादा नया लुक आ जाता है आपकी गाड़ी पे, जो गाड़ी देखने में दूर से पुरानी नहीं, चाहे कितनी पुरानी गाड़ी हो काफ़ी नई दिखती है। तो जैसे ये जो पार्ट है यहाँ पे ब्लैक फाइबर, ये पूरा प्लेन ब्लैक है, तो इस पर हम अप्लाई करके देखते हैं। इस पर तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा, पूरा हो गया पहले जैसा नया टाइप, पूरा ब्लैक पड़ गया। अब देखते हैं इसको हटा के टेप, तो ये पूरा ब्लैक हो चुका है, अब हम इसमें टेप हटा के देखते हैं, तो देखिए इतना डिफरेंस आ रहा है नए और पुराने पे, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। पानी डाल के देखता हूँ कि जैसे और पॉलिश होते हैं पानी जाके वो वाइट वाइट से हो जाते हैं, तो ये कैसा होता है, ये तो पूरा ऐसा, तो ये तो ऐसा लगा जिसमें जैसे इसमें सिरेमिक कोटिंग कर दी है, पानी टिकने ना पूरा नीचे को आ जा रहा है, आप जैसे देख सकते हैं ये। और ये अगर ये पार्ट में पानी डालो तो ये पार्ट ऐसा हो जा रहा है, आपने देखा इस पर मैंने पॉलिश अप्लाई नहीं किया था, इससे पानी डाल के ये पार्ट ऐसा हो जा रहा है, और अगर मैंने इस पर पानी डाला तो इसमें पानी बिल्कुल टिक नहीं रहा है, तो भाई इसका ये भी फायदा है कि ऐसे टिक नहीं रहा और ऐसे देखो निकल भी नहीं रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। आप इसको बाहर पॉलिश करें चाहे बारिश आ जाए, होता है ना जैसे हम गाड़ी भी गाड़ी धोते हैं पॉलिश करते हैं, तो भाई उसी दिन बारिश आती है और पूरा हमारे किए गए पे पानी फिर जाता है, बट अगर आप ये वाला पॉलिश यूज करें तो पानी नहीं फिरेगा, चल देगा। मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, और उनको भी अपनी जो गाड़ी है उनको चमकाने में मदद करें, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।